और मेरी दिल की दिली ख्वाहिश ये होगी कि हिंदुस्तान आए फाइनल में हमारे साथ आए, हम जरा हिंदुस्तान का फेंटा लगाएं, ये हमारी मेरी दिली ख्वाहिश है। निकम्मी सोच है तुम्हारी, ये निकम्मी सोच है, क्योंकि आपसे ना पहली बार आपको वो जीत जो हासिल हुई है ना इतने सालों बाद, वो पच नहीं रही है। T20 वर्ल्ड कप चल रहा है जिसमें हाल ही में भारत ने स्कॉटलैंड और अफगानिस्तान को करारी शिकस्त दी थी। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन पड़ोसी देश पाकिस्तान को भारत की ये जीत पच नहीं रही। यही वजह है कि पाकिस्तान अब भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले गए मैच को फिक्स्ड करार देने पर तुला है। पाकिस्तान के समर्थक ट्विटर पर फिक्स्ड को ट्रेंड करा रहे हैं, लेकिन अब पूर्व गेंदबाज हरभजन सिंह ने इन ट्रोलर्स को करारा जवाब दे दिया है। उन्होंने पाकिस्तान को पहले अपने गिरेबान में झांकने की नसीहत दी है, लेकिन सबसे पहले आपको देखना चाहिए कि किस तरह से पाकिस्तान के खिलाड़ी भारत और अफगानिस्तान के मैच को फिक्स्ड बता रहे हैं। अब अफगानिस्तान पे है कि वो हिंदुस्तान को अंदर ला सकती है, ला सकती है, क्योंकि अगर वो मैच जीतती है न्यूजीलैंड से तो हिंदुस्तान गेम में आता है। न्यूजीलैंड के लिए क्वार्टर फाइनल है, अगर न्यूजीलैंड ने इनको मार दिया अफगानिस्तान को तो गेम इज ओवर। सो पूरा हिंदुस्तान विल बी बैकिंग अफगानिस्तान, हम बैक करेंगे गुड गेम ऑफ क्रिकेट को। अब इंटरेस्टिंग मरहल में सिचुएशन चली गई है, और मेरी दिल की दिली ख्वाहिश ये होगी कि हिंदुस्तान आए फाइनल में हमारे साथ आए, हम जरा हिंदुस्तान का फेंटा लगाएं, ये हमारी मेरी दिली ख्वाहिश है। और मैं ये चाहता हूँ कि इट्स गोना बी गुड फॉर क्रिकेट, कि हिंदुस्तान अगर आती है वो पाकिस्तान के साथ लड़ती है तो इट्स गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग गेम, और ये वर्ल्ड कप को सिर्फ बड़ा करेगी। आज हिंदुस्तान ने वर्ल्ड कप को बड़ा कर दिया, पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को मारा, पाकिस्तानी क्रिकेट जो उठ गई है। मैं बार बार कह रहा था पाकिस्तान क्रिकेट को ये बूस्टर चाहिए था, पाकिस्तान क्रिकेट को ये चीज चाहिए थी कि वो हिंदुस्तान से जीते और उसको हराए। अब फाइनली आई रियली थिंक दैट यू नो कि अब फैसला किस्मत पे है, फैसला अब न्यूजीलैंड के हाथ में, वो हिंदुस्तान को बाहर करती है नहीं करती है वो आप कुछ नहीं कह सकते। T20 वर्ल्ड कप में भारत की लगातार दो जीत से बौखलाए पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने आरोप लगाया है कि भारत अफगानिस्तान का मैच फिक्स था, और अब आप देखिए कि किस तरह से पूर्व गेंदबाज हरभजन सिंह ने इनको करारा जवाब दिया और कहा कि आप सब तो निकम्मे हो, आपको ये जीत पच नहीं रही। तो सुनिए जरा हरभजन सिंह का ये शानदार जवाब। और एक मेरा और शोएब का तो जो मसला चलता है आपस में, हम जो मजाक कर रहे हैं बैंटर करते हैं, उसमें ये आमिर बीच में घुस जाता है, और आमिर का तो आपको पता ही है कौन था वो, क्या था, उसने क्या किया था, उसके साथ कुछ और भी थे और उससे पहले भी, अगर हिस्ट्री थोड़ा फरोले ना तो उसमें भी देखिए आपकी टीम ने क्या क्या कारनामे किए हुए हैं। और ये हमारी टीम जो कर रही है वो बहुत बढ़िया कर रही है, ये फालतू के ट्विटर के ऊपर ट्रेंड कराना, ये सब चीज़ें बोल के कि ICC जान के ये चीज़ चाह रही है कि भारत आगे जाए, ये बात गलत है। निकम्मी सोच है तुम्हारी, ये निकम्मी सोच है, क्योंकि आपसे ना पहली बार आपको वो जीत जो हासिल हुई है ना इतने सालों बाद, वो पच नहीं रही है। आप उसको एंजॉय करिए, खुश रहिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि भारत आपको ना फाइनल में मिलेगा, और अगर मिला ना तो फिर मज़ा आएगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप ट्वीट मत करिए, आप बात मत करिए भारत के बारे में, आप बात करिए, बट देयर इज़ वे टू टॉक, दिस इज़ नॉट द वे कि इंडिया जीत जाए तो अच्छा ये मैच फिक्स था, अफगानिस्तान ने फिक्स किया, आपने राशिद खान को वो करवा दिया, ट्रेंड करवा दिया, आपने राशिद खान की एकदम से उतार दी कि वो बिका हुआ था। अरे राशिद खान चैम्पियन बॉलर है और हमारे खिलाड़ी चैम्पियन प्लेयर हैं, और राशिद खान को उन्होंने अपने विल पे स्कोर मारे हैं, ऐसे ये निकम्मे काम करके शायद कोई और टीम खेलती है और वो आपको पता है कौन सी है वो। हमें ये सब बोलने की ज़रूरत नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं क्या खेलते हैं, और ये फालतू के अपने जो ट्विटर अकाउंट लेके बैठे हुए इसको करो बंद, अपनी टीम को सपोर्ट करो जैसे हम अपनी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ क्रिकेट में देखिए कोई भी जीतता है, अगर पाकिस्तान जीतेगा तो हम भी कहेंगे भी पाकिस्तान मुबारकबाद, बट अगर इंडिया जीतता है तो थोड़ा सा उसको बचाने का मादा रखो, फालतू की नौटंकी यहाँ मत करो और अपने अपने काम में मस्त रहो, ठीक है ना। ओके बाय बाय। फिलहाल नजर है इस बात पर कि आज न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के मैच में जीत किसकी होती है, क्योंकि इसी पर टिका है भारत का सेमीफाइनल का टिकट। तो आप भी अपनी नजरें बनाए रखिए, साथ ही जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।